बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार जो कि आजकल काफी ज्यादा बिजी हैं अपनी फिल्म्स को लेकर, अब आपको बताते हैं कि र्यूमर्स थे अक्षय कुमार को लेकर कि वो कोलकाता जाएंगे और वहां पर एक एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली में जाके वो शामिल होंगे, ज्वाइन करेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी की रैली को। अब आपको बताते हैं कि इन सब र्यूमर्स पर क्या बोले हैं खिलाड़ी कुमार जिन्होंने अक्षय हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में इस बात पर पूरा खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि आई एम सरप्राइज्ड एट दिस लेवल ऑफ र्यूमर्स गेटिंग सर्कुलेटेड अबाउट माय प्रेजेंस इन द पॉलिटिकल रैली एट कोलकाता। आई एम करंटली बिजी शूटिंग इन मुंबई एंड र्यूमर्स रिगार्डिंग माय अटेंडेंस एट अ पॉलिटिकल रैली इन कोलकाता टुडे आर बेसलेस एंड फॉल्स। अक्षय कुमार जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी एक्टर्स में से एक हैं और आजकल वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपनी फिल्म्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं और उन्होंने इस बात पर खुलासा कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं सरप्राइज हूँ, मुझे आप लोगों से सुनने को मिल रहा है ये र्यूमर्स जहाँ से फैले हुए हैं ये टोटली बेसलेस है और फॉल्स हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी भी रैली में जाने का और ना मैं किसी पॉलिटिकल रैली में जाना चाहता हूँ, और ना उन्होंने कहा है कि आज जो होनी थी रैली उसमें जो र्यूमर्स थे कि वो ज्वाइन करेंगे वो सब गलत हैं, बेसलेस र्यूमर्स हैं। वो कहते हैं कि मुंबई में मेरी शूटिंग चल रही है और मैं बिजी हूँ, और जिस पर एक सरप्राइज एक शॉकिंग रिएक्शन था अक्षय कुमार का कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली को जाके ज्वाइन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में उनकी जो फिल्म है राम सेतु, जिसके एक झलक को, एक ग्लिम्स को उन्होंने शेयर किया है। राम सेतु उन्होंने एक पिक्चर को शेयर किया है जिसमें अपनी को एक्ट्रेस के साथ है और यूनिट के कुछ लोग हैं, जिसमें वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अक्षय कुमार जिन्होंने एक कैप्शन में लिखा, द टीम दैट प्रेप्स together excels together an extremely productive script reading session with the team of hashtag Ram Setu this evening, can't wait to begin filming this one. So उन्होंने कह दिया है कि already जो team है वो इस script को पढ़ रही थी, तो उस चीज़ की उन्होंने एक photo को भी share किया था। साथ ही साथ अक्षय कुमार जिनकी film सूर्यवंशी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा buzz बना हुआ है और इसकी release date पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा suspense जो कि बना हुआ है। आप कितने एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के लिए और उनकी फिल्म राम सेतु के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें।